हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बाद प्रमुख उत्पादकों ने अब प्रोडक्शन में कटौती करने का फैसला किया है। ओपेक और सहयोगी देशों ने कच्चे तेल के प्रोडक्शन में 1 करोड़ बैरल प्रतिदिन तक कटौती करने का निर्णय लिया है। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 6,700 के पार पहुंची, अब तक 516 लोग ठीक हुए। देश में बड़ा कोरोना से मौत का आंकड़ा, अब तक 200 से ज्यादा लोगों की कोरोना से संक्रमित होने पर मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर होगी चर्चा। यूपी के मेरठ में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए, जिसमें से 3 लोग तबलीगी जमात से हैं। मेरठ में अब तक कोरोना के कुल 47 मामले आ चुके हैं। जोधपुर सदर कोतवाली में लगाई गई ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन, जयपुर में पुलिसकर्मी के कोरोना से संक्रमित होने के बाद फैसला। पंजाब में कर्फ्यू 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कैबिनेट की बैठक के बाद लिया फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण कर्फ्यू और लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया। एक विदेशी रिपोर्ट के आधार पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का दावा, भारत में सितंबर के मध्य तक शिखर पर पहुंचेगा कोरोना वायरस। दिल्ली में एम्स के डॉक्टर और नर्स समेत सभी स्टाफ ने मिलकर बांटे मास्क, दिल्ली में मास्क पहनना जरूरी हुआ। देश भर के जिन हॉटस्पॉट इलाकों को सील किया गया है, वहां अब टेस्ट शुरू हो गया है। चेन्नई से आई टेस्टिंग की तस्वीरें। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस ने छिपे हुए जमातियों की जानकारी देने पर 5,000 के इनाम की घोषणा की है। दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज इमारत के पास आज फिर नगर निगम ने कई जगह सैनिटाइजेशन किया, यहीं से फैला है ज्यादा कोरोना। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में लोगों ने लॉकडाउन नियम तोड़ा, एबीपी न्यूज की पड़ताल में सड़क पर भीड़ दिखी। राजस्थान के अजमेर में डॉक्टरों के साथ बदसलूकी करने पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ में हॉटस्पॉट सील करने के बाद सैनिटाइजेशन का काम जारी, सदर बाजार इलाके में घर घर जाकर केमिकल का छिड़काव किया गया। अमृतसर में पंजाब पुलिस बन रही है लोगों की मददगार, जरूरतमंद लोगों के लिए खुद खाना बनाया, लोगों को खुद बांटा भी। दिल्ली में आईटीबीपी के जवान तैयार कर रहे हैं पीपीई किट और मास्क। किट 100 रुपए की, मास्क 5 रुपए में मिलेगा। जरूरी सामानों को लेकर आज जम्मू पहुंची स्पेशल ट्रेन, बड़ी तादाद में मास्क सप्लाई हुई, रेलवे चला रहा है सप्लाई के लिए ट्रेन। भुवनेश्वर में पेट्रोल पंप मालिकों का ऐलान, जो मास्क नहीं पहनेगा उसे नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। एम्स के डॉक्टरों का दावा, जानवर जैसे कुत्ते और बिल्लियों की वजह से इंसानों में कोरोना का संक्रमण नहीं फैलता। मुंबई के बांद्रा में भाईचारे की मिसाल, हिंदू बुजुर्ग का परिवार लॉकडाउन की वजह से नहीं पहुंचा तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया अंतिम संस्कार। यूपी के श्रावस्ती में मजदूर नहीं मिले तो किसान परिवार खुद काट रहे हैं गेहूं की फसल, कुछ जगह सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा गया। गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया, लॉकडाउन के दौरान सामाजिक दूरी का नियम तोड़ने का आरोप, सभी आरोपी भीड़ की शक्ल में मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की सभी अदालतों को दिशा निर्देश जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर लॉकडाउन हटता है तो अदालतों को खोलने से पहले सैनिटाइजेशन का काम शुरू करो। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन ने 9 इलाकों को सील किया। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए प्रशासन हॉटस्पॉट की पहचान कर सीलिंग कर रहा है। एमपी के इंदौर में कोरोना के 12 मरीज ठीक होने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए गए। डिस्चार्ज होने के बाद मरीजों का ताली बजाकर स्वागत किया गया। पंजाब के मोहाली में जवाहरपुर गांव हॉटस्पॉट घोषित किया गया। जवाहरपुर में कोरोना के 32 नए मामले सामने आए हैं, जिले में कुल 48 मरीज। पठानकोट में कोरोना के 8 संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, पंजाब में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 150 के पास पहुंचा।
यूपी के लखीमपुर खीरी में कोरोना के योद्धाओं के लिए पीपीई किट्स बनाएंगी ग्रामीण महिलाएं। यूपी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वयंसेवी महिलाओं के समूह ने सरकार से इजाजत की मांग की थी। दिल्ली के मंडावली में समाजसेवी मदन सिंह के आह्वान पर कोरोना के योद्धाओं का आभार जताया गया। लोगों ने पुलिस और सफाई कर्मियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। लखनऊ के ताल कटोरा स्टेडियम में जरूरतमंदों को खाना बांटने के दौरान बवाल, खाने के पैकेट में नॉनवेज निकला था। कोरोना वायरस के ज्यादा मामले होने के बाद बिहार के 3 जिले सीवान, बेगूसराय और नवादा पूरी तरह सील। लोगों को घरों में रहना होगा। नियम तोड़ने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। महाराष्ट्र के आईपीएस अफसर ने इमरजेंसी पास जारी कर वाधवान फैमिली के 23 लोगों को फार्म हाउस भिजवाया। एबीपी न्यूज ने दिखाई खबर तो छुट्टी पर भेजे गए अफसर। दरअसल लॉकडाउन में आईपीएस अफसर ने वाधवान परिवार को मुंबई से महाबलेश्वर कई कारों में जाने दिया। बीजेपी ने उधर सरकार पर उठाए सवाल। यूपी के 40 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। योगी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रोजाना 1500 टेस्ट करवाए जाएंगे। अभी प्रतिदिन 1000 टेस्ट हो रहे हैं। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, रिक्शा, ई रिक्शा चालक, फेरी वाले और मंडी में काम करने वाले 4 लाख से ज्यादा लोगों के लिए 48 करोड़ रुपए का फंड जारी किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सीएम योगी को सलाह दी। प्रियंका ने कहा कि यूपी सरकार को टेस्टिंग का दायरा बढ़ाना चाहिए। एबीपी न्यूज से दिल्ली के डिप्टी सीएम बोले, दिल्ली में अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं, ऑपरेशन शील्ड के तहत अब तक 25 इलाकों को सील किया गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि निजामुद्दीन इलाके में घर घर जाकर कोरोना का रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली में तबलीगी जमात का मामला सामने आने के बाद लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में पूरे शरीर को सैनिटाइज करने वाली मशीन लगी। एक मशीन की कीमत 1.5 लाख। आप नेता गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल सरकार जल्दी मशीनों की संख्या बढ़ाएगी। लॉकडाउन की वजह से महंगे हुए जरूरत के सामान। दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव में दोगुने दाम पर फल सब्जियां बेचने की शिकायत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना के लिए मलेरिया की जिस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन गोली की डिमांड है उसकी करीब 3.25 करोड़ गोलियां हमारे पास है। देशवासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं। असम के गुवाहाटी में अड़गांव कब्रिस्तान मस्जिद को सील किया गया। यहां दिल्ली से आए 8 जमातियों ने 100 लोगों के साथ मीटिंग की। 12 मार्च को कार्यक्रम हुआ था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से अस्पतालों में खून की कमी हो रही है। जल्दी ब्लड डोनेशन के घर घर जाएगी टीम। लॉकडाउन से किसानों का बुरा हाल। एमपी के छिंदवाड़ा में खेतों में लगी सब्जियां खराब हो रही हैं। मजदूर न मिलने से किसान परेशान हो रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों को देखते हुए बीएसएफ को आदेश जारी किए हैं। गृहमंत्री ने समीक्षा बैठक में बिना फेंसिंग वाले बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाने के लिए कहा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक हुई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने G20 देशों के ऊर्जा मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। बैठक में भारत ने भरोसा दिलाया कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत वर्ल्ड डिमांड का सेंटर बना रहेगा। कोरोना के योद्धाओं को लेकर राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान। ड्यूटी पर किसी की मौत होने पर परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने शहर गोरखपुर का हाल जाना। गोरखपुर में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आने पर लोगों की तारीफ की। साथ ही लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने की अपील की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी के अमरोहा में कांग्रेस नेता सचिन चौधरी को हिरासत में लिया गया है। सचिन पर लॉकडाउन का विरोध और पुलिस के साथ बदसलूकी और पीएम मोदी और सीएम को लेकर विवादित बयान देने का आरोप है। कोरोना संकट के बीच अरुणाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, सीएम, विधायक, मंत्री और डीसीएम के वेतन में 30% की होगी कटौती।